Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session we will discuss about numerical type question, and the question is acetic acid content in commercial vinegar was analyzed by titrating against 1.5 molar NaOH solution. So जो acetic acid है that is CH3COOH, उसका जो content है vinegar के अंदर उसको हमने टाइट्रेट किया है NaOH सॉल्यूशन के साथ में, और जो NaOH है उसकी मोलैरिटी है 1.5 मोलर. नाउ 20 ml विनेगर सैंपल रिक्वायर्ड 18 ml ऑफ टाइट्रेंट टू गिव एंड पॉइंट. टाइट्रेंट क्या है यहाँ पे? NaOH है, सो दिस इज 18 ml और जो विनेगर है उसकी मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करनी है और वॉल्यूम है दैट इज 20 ml दैट इज गिवन. सो यहाँ से हमें क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन विनेगर इन मोल पर लीटर दैट इज मोलर, वो हमें कैलकुलेट करना है. सो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, m इंटू वी दैट इज नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लिखेंगे. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एसिड है तो उसकी बेसिसिटी कितनी है, ये 1 प्रोटोन देता है यहाँ से H+, तो 1 हो गया. NaOH की एसिडिटी कितनी है, 1, तो यहाँ से हम m इंटू वी, दिस इज फॉर एसिटिक एसिड और इसको हम लिख सकते हैं m इंटू वी फॉर NaOH. सो जो एसिटिक एसिड है उसकी मोलैरिटी होगी m, वॉल्यूम इज 20 और NaOH की मोलैरिटी इज 1.5, वॉल्यूम इज 8. सो यहाँ से मोलैरिटी ऑफ एसिटिक एसिड कितनी होगी, 1.5 into 18 divided by 20. यहाँ से जब सॉल्व करेंगे so this comes out to be 1.35 molar. So the concentration of acetic acid in the vinegar in mole per liter or molar is 1.35 molar. So answer is 1.35 molar. Now moving to the next question, the potential energy of interaction between two ions in an ionic compound is given by this. So potential energy किसी भी ionic compound में two ions के बीच में कितनी होती है, that is given as U is equal to 1389.4 Z1 Z2 divided by R. Assuming that calcium chloride is linear molecule, so calcium chloride linear molecule है, so this इसको हम इस तरह से represent करेंगे according to the question. The molecular length is 5.6. So मतलब यहाँ से और यहाँ तक जो length है that is 5.6 एंगस्ट्रोम. So हम क्या लिख सकते हैं कि दो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में जो टोटल लेंथ है that is 5.6 क्लोरीन टू क्लोरीन, और कैल्शियम एंड क्लोरीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 5.6 डिवाइड बाई 2. So that will be equal to 2.8. This is एंगस्ट्रोम. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये कितनी हो गई, 2.8 डिग्री एंगस्ट्रोम. दिस इज 2.8 डिग्री एंगस्ट्रोम. नाउ पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है कैल्शियम क्लोराइड मॉलिक्यूल की इन किलो जूल पर मोल. सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, U इज इक्वल टू 1389.4 Z1 Z2 डिवाइडेड बाय R. सो यहाँ से हम क्या देखते हैं, हमारे पास में जो आयंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैसे लिखेंगे, 0.4 इंटू सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कैल्शियम और क्लोराइड, मतलब हमारे पास में ये है मॉलिक्यूल तो क्लोराइड और कैल्शियम. सो क्लोराइड पे चार्ज कितना है, -1, कैल्शियम पे चार्ज कितना है +2 डिवाइडेड बाय R. कैल्शियम और क्लोराइड के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2.8 प्लस. सेकेंड केस क्या लेंगे, ये कैल्शियम और ये क्लोराइड. सो यहाँ से कैल्शियम पे चार्ज कितना हो गया, +2, क्लोराइड पे चार्ज हो गया -1, डिस्टेंस हो गया 2.8 प्लस. नेक्स्ट इज क्लोराइड एंड क्लोराइड, दो आयन से ये हो गए यहाँ से, तो क्लोराइड क्लोराइड दोनों पे -1 चार्ज हो गया. सो Z1 Z2 -1 हो गया और डिस्टेंस कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू 5.6. जो क्वेश्चन उसमें गिवन है कि R को हम डिग्री एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं. तो जब इसको यहाँ से हम सॉल्व करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी -1736.749 और दिस इज इन किलो जूल पर मोल. सो ये जो क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो फॉर्मूला गिवन है ये फॉर्मूला टू आयंस के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला है। सो यहाँ पे हमारे पास तीन आयोन है, दो क्लोराइड आयोन है, एक कैल्शियम आयोन है। सो हम क्या करेंगे, दो दो का पेयर करेंगे, एक क्लोराइड एक कैल्शियम, ये दोनों। देन नेक्स्ट इज ये क्लोराइड और ये कैल्शियम, सो कैल्शियम और क्लोराइड। एंड थर्ड वन इज क्लोराइड क्लोराइड। इनका जो Z1 Z2 लेंगे इसका कितना होगा -1 -1, यहाँ से कितना होगा +2 -1, दिस इज -1 -1। फर्स्ट वन इज कैल्शियम और क्लोराइड। सो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, उनकी जो R की वैल्यू जो हमने यहाँ से शुरू में कैलकुलेट की थी वो पुट करके और इसको सॉल्व करेंगे। सो इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि हमें जो आयन्स है उनको कंसिडर करना है, ठीक है, और उन्हीं के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमें कैलकुलेट करना है, उसको उसकी वैल्यू पुट करके तब पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, IIT JAM 2016 में आया हुआ है।